हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट पोइट्री एंड ड्रामा से प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टर ऑफ डचेस इन माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस में डचेस का चरित्र लिखिए। इसका आंसर है, द डचेस वॉज ए वुमैन विद ए सिंपल एंड काइंड हार्ट। डचेज एक सरल हृदय तथा एक उदार स्त्री थी। सी लुक्ड अपॉन पीपल एंड वर्ल्ड एज वेरी गुड। वह लोगों को तथा दुनिया को अच्छी नज़र से देखती थी। सी फाइंड्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल एंड फाइंड्स जॉय इन एवरीथिंग। उसे हर चीज में सौंदर्य दिखता था और हर चीज में आनंद प्राप्त होता था। सी इज बेस्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी। हाउ एवर हर हस्बैंड फेल्स टू अंडरस्टैंड हर। वह सबके लिए मुस्कुराती थी। मानवता का वह श्रेष्ठ निर्माण थी, परंतु उसका पति उसे समझने में असफल रहा। क्रिएशन का अर्थ होता है निर्माण करना, सर्जन करना। आज का हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पिक्चर डू यू गेट ऑफ द ड्यूक इन माय लास्ट डचेज फ्रॉम द लाइन देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर। कविता माई लास्ट डचेज की इस पंक्ति से आप ड्यूक की किस प्रकार की तस्वीर पाते हैं? इसका आंसर है, दिस लाइन्स शोज दैट द ड्यूक ऑर्डर टू स्टॉप द स्माइल्स ऑफ हिज डचेज और ही गॉट हर किल्ड। यह लाइन हमें यह बताती है कि ड्यूक ने अपनी डचेज की सभी मुस्कुराहटों को रोकने का आदेश दिया, अर्थात उसे मरवा दिया। द डचेज वॉज ए गुड नेचर्ड इनोसेंट लेडी बट ड्यूक डिड नॉट लाइक हर स्माइल्स फॉर एवरीबडी। डचेज एक अच्छे स्वभाव की निर्दोष या मासूम महिला थी, किंतु ड्यूक सभी के लिए उसकी मुस्कुराहट को पसंद नहीं करता था। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। ही वाज पजेसिव। वह अधिकारवादी था। पजेसिव का अर्थ होता है अधिकारवादी। ही वांटेड हिज डचेज स्माइल फॉर ओनली हिम। वह डचेज की स्माइल को केवल अपने लिए ही चाहता था। ही वॉज ए क्रूअल सेल्फिश एंड हार्ड हार्टेड पर्सन। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, और हार्ड हार्टेड पर्सन का अर्थ होता है कठोर हृदय का व्यक्ति। वह एक क्रूअल सेल्फिश और हार्ड हार्टेड पर्सन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज मैथ्यू अर्नोल्ड एक्सप्रेसेस इन हिज पोइम डोवर बीच। एक्सप्रेसेस का मतलब होता है बताना या दर्शाना। मैथ्यू अर्नोल्ड अपनी पोइम डोवर बीच में क्या दर्शाता है या क्या बताता है? इसका आंसर है, इन द पोइम
Dover Beach, Matthew Arnold expresses note of sadness. Dover Beach poem में Matthew Arnold sadness, उदासी के भाव को प्रकट करता है. Human life appears meaningless to him and man's mind is filled with doubt. Doubt का मतलब होता है शक या संदेह. मानव जीवन उन्हें अर्थहीन लगता है और मानव का दिमाग है वो शक से भरा है. Stability in love in the hope for him for the future of mankind. Stability का मतलब होता है निश्चितता या स्थिरता. उनके लिए प्रेम में निश्चितता ही मानव जीवन का भविष्य है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4th. व्हाट आर अर्नोल्ड्स व्यूज अबाउट मॉडर्न वर्ल्ड. व्यूज का मतलब होता है विचार. मैथ्यू अर्नोल्ड के आधुनिक जगत के बारे में क्या विचार है, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में क्या विचार है? तो इसका आंसर है, इन मॉडर्न वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन कम एंड गो एंड नेवरी नोटिस देम. नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, कि मॉडर्न वर्ल्ड में आधुनिक युग में हजारों मनुष्य और स्त्रियां आती हैं और चली जाती है और कोई भी उनको नहीं देखता है. द सेकेंड सेट ऑफ पीपल हैव एन एम, सॉरी ये क्या है, एम है, ए आई, बट गिव अप दैट पर्पस एज दे आर कन्फ्रंटेड विद इनसेफरेबल हर्डलेस ऑन द वे. जबकि दूसरे तबके के लोगों का टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, परंतु वे अपना उद्देश्य क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं. Thus they are carrying aimless and hopeless journey. क्योंकि उनके मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती है. Hurdles, inseparable hurdles का मतलब होता है अनेक बाधाएं आना. Next important question number 5th. What do the sea and the skylark represent in the sea and the skylark? Represent का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना. समुद्र व स्काईलार्क कविता द सी एंड द स्काईलार्क में कवि किसका वर्णन करता है? इन द पोइम द सी एंड द स्काईलार्क द पोइट रिप्रेजेंट द सी एंड स्काईलार्क एज कॉन्ट्रास्ट विद मैन हुज डिस्ट्रैक्शन सीम्स टू द पोइट इन ए टेस्टलेस सी साइड टाउन का अर्थ होता है समुद्र के किनारे. डिस्ट्रक्शन का अर्थ होता है पतन. कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास. इन द पोइम द सी एंड द स्काई लार्क द पोइट रिप्रेजेंट द सी एंड स्काई लार्क एज ए कॉन्ट्रास्टेड विद मैन हुज डिस्ट्रक्शन सीम्स टू द पोइट इन ए टेस्टलेस सी साइड टाउन. पोइम द सी एंड द स्काई लार्क में पोइट समुद्र और स्काई लार्क की तुलना मनुष्य से करता है. मनुष्य की स्थिति का पतन समुद्र के किनारे दृष्टिगोचर होता है या प्रकट होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6. राइट ए नोट ऑन हॉपकिंस एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पोइम द सी एंड द स्काई लार्क. हॉपकिंस का प्रकृति के प्रति व्यवहार पर पोइम द सी एंड द स्काई लार्क के संदर्भ में टिप्पणी लिखिए. एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण. इसका आंसर है,
Hopkins' attitude towards nature on the basis of his poem The Sea and the Skylark is shallowness and weakness and the sordid turbidness on the nature, of the nature. Shallowness का अर्थ होता है संकीर्णता. Weakness का मतलब होता है कमजोरी. Sordid turbidness का मतलब होता है भद्दापन. Hopkins का प्रकृति के प्रति जो व्यवहार है वो उसकी पोइम द सी एंड द स्काई लार्क में संकीर्णता, कमजोरी और समय के भद्देपन को बताया गया है. द सी एंड द स्काई लार्क आर मेयरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ नेचर एंड द शो डिके ऑफ टाइम शोन बाय द सिटी. डिके का मतलब होता है पतन. समुद्र और स्काई लार्क प्रकृति के पवित्रता के परिचालक हैं और यह दर्शाते हैं कि शहर के साथ समय का भी पतन हो रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द थीम ऑफ द सोनेट द सी एंड द स्काई लार्क. द सी एंड द स्काई लार्क पोइम की विषय वस्तु या थीम क्या है. इसका आंसर है द थीम ऑफ दिस सोनेट इज ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द प्योरिटी ऑफ लाइफ गिविंग नेचर एंड द सॉर्डिडनेस ऑफ सिविलाइजेशन विच मैन इज क्रिएटिंग. द पोइम इन इज नॉट अटेक पर्टिकुलरली ऑन वेलिस पीपल बट कॉन्ट्रास्ट ऑन नेचर एंड बैड कंडीशन ऑफ मैन occasionized by a particular man. Attack का मतलब होता है आक्रमण करना. Particularly का अर्थ होता है मुख्य रूप से. The theme of this sonnet is a contrast between the purity of life giving nature and the sordidness of civilization which man is a क्रिएटिंग. सोनेट की विषय वस्तु प्रकृति की शुद्धता तथा सभ्यता का पतन है जो कि व्यक्ति उत्पन्न कर रहा है. इस पोइम का मुख्य रूप से वेल्स शहर पर आक्रमण नहीं है बल्कि मानव की बुरी दशा तथा प्रकृति की तुलना है जो कि एक मनुष्य पर डिपेंड करती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8. What opinion of Hopkins as a poet you make after reading this sonnet? Hopkins की poem poet के रूप में इस sonnet को पढ़ने के बाद आप क्या राय बनाते हैं या क्या राय आपके mind में आता है. इसका answer है the opinion we form about Hopkins after reading this sonnet is that Hopkins is a religious poet whose poems rotated around God. Nature is created by God and it can be seen in his poem The Sea and the Skylark. इस सोनेट को पढ़ने के बाद पोइट के विषय में हम यह राय बनाते हैं कि कवि है वो कैसा प्रकृति का है. रिलीजियस पोइट है, धार्मिक है, जिसकी कविताएं भगवान के इर्द गिर्द घूमती है. अराउंड गॉड नेचर, भगवान के इर्द गिर्द घूमती है. प्रकृति भगवान के द्वारा निर्मित की गई है जो उसकी कविता द सी एंड द सोनेट के माध्यम से देखी जा सकती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट वाज द ओरिजिनल
टाइटल ऑफ द पोइम द सी एंड द स्काई लार्क। द सी एंड द स्काई लार्क कविता का मूल टाइटल, मुख्य विषय क्या है? इसका आंसर है द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोइम द सी एंड द स्काई लार्क वाज वॉकिंग बाय द सी। While walking near the sea, two sounds were heard by the poet which left a deep impression on him, which is too old to end. They stress the contrast with the Fred crumbling down. Fred crumbling down का अर्थ होता है कमजोर पतन अवस्था को दर्शाना, शो करना। The sea and the sky lark का मूल शीर्षक वॉकिंग बाय द सी, वॉकिंग बाय द सी था। समुद्र के निकट घूमने के दौरान पोइट ने दो आवाजें सुनी जिन्होंने कवि पर गहरी छाप छोड़ी, जो कि अति प्राचीन है शहर की पतन अवस्था दर्शाने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज हॉपकिंस एक्सप्रेस हिज admiration for the sea and the skylark as a against man in his poem The Sea and the Skylark। अपनी पोइम द सी एंड द स्काई लार्क में हॉपकिंस मनुष्य के विरुद्ध समुद्र तथा स्काई लार्क की प्रशंसा किस प्रकार करता है। एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसका आंसर है The poet says that the two natural sounds of the sea and the skylark are putting to shame this town of Ryle, where life is shallow and devoid of vitality. Vitality का मतलब होता है उत्साह। कवि कहता है कि प्रकृति की दो आवाजें, समुद्र की आवाज़ तथा स्काई लार्क की आवाज़, इस राइल शहर को जो सारहीन तथा असक्त है शर्मिंदा कर रही है। बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी राइज फार अबोव द सॉर्डिड एंड कन्फ्यूज्ड ह्यूमन साउंड्स ऑफ द टाउन। क्योंकि अपनी पवित्रता, प्योरिटी का मतलब होता है पवित्रता, अपनी पवित्रता के कारण प्रकृति की आवाज़ है वो शहर की गंदी पतन अवस्था की तथा मानव की सारहीन सी लगने वाली पेचीदा आवाज़ों से बहुत उच्च व पवित्र है।